हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ चेयर ऑफ निशा इंसाइट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट का पार्ट 15, जिसमें आज हम अपने रिसर्च के टाइप्स को करेंगे, है ना। और बाकी अपने जो रहे हुए थे रिसर्च कैसे करते हैं उसके मेथड्स वो पढ़ेंगे। 1 मिनट रुको, बस मैं देख लेती हूँ लाइव ऑन होगी क्या, उसके बाद में पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। ओके। गुड आफ्टरनून। ओके, सबको श्योर है ना? ठीक है। ठीक है, पढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या स्टडी करा है आपको याद है? काफी दिन हो गए रिसर्च के कॉन्सेप्ट की क्लास को, तो अभी तक भूल तो नहीं गए होंगे ना सभी। देखो, अभी हमने लास्ट क्लास जो था 14 पार्ट, उसमें स्टडी क्या किया था? हमने देखा था कि रिसर्च के मेथड्स कौन कौन से होते हैं, है ना। उसमें हमने किया था, यहाँ से स्टार्ट करा था। ओके, स्ट्रक्चर इंटरव्यू से। 1 सेकेंड। स्ट्रक्चर इंटरव्यू से करा था कि स्ट्रक्चर इंटरव्यू में क्या होता है, सारे क्वेश्चन सारे आंसर पहले से ही प्री डिसाइडेड होते हैं, है ना। जो इंटरव्यूअर होता है वो क्या करेगा, वो पहले से ही सारा का सारा जो जितने भी क्वेश्चंस उनको पूछने हैं, है ना, उस उन क्वेश्चन के आंसर क्या क्या होंगे, साथ साथ में क्या प्रोसीजर होएगा, सब चीज़ पहले से ही डिसाइडेड होता है। और फिर जो इंटरव्यू लेते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर इंटरव्यू। ये आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ओके, उसके बाद में मैंने बताया था कि ग्रुप इंटरव्यू किसको कहते हैं, कि ग्रुप में इंटरव्यू लेते हैं तब ग्रुप इंटरव्यू। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि ये लास्ट क्लास में हमने कर लिया था। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि ऑफिशियल स्टैटिक्स क्या होता है। जैसे कोई भी कंपनी होती है, क्या है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो मैम, मैं आपकी क्लास ही फॉलो करता हूँ, थैंक यू, और भूल गया हूँ। तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के बाद में जाके ये प्लेलिस्ट बनी हुई है रिसर्च एप्टीट्यूड की, प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेना और पढ़ लेना, फिर याद आ जाएगा। ठीक है। हाँ देखो, ऑफिशियल स्टेटिक्स में क्या था, इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जितने भी उनके अकाउंट्स होते हैं, उनको पब्लिक करती है। कैसे, जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट है उन सबको दिखाती है। तो वो वाली, उनसे हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी रिसर्च करेंगे, वो ऑफिशियल स्टेटिक्स में आएगा। फिर सेल्फ कंप्लीशन क्वेश्चनेयर बताया था कि खुद से फिलअप करते हैं, है ना। ग्रुप इंटरव्यू में ये तो आ गया था पहले, डबल स्लाइड होगी। फील्ड एक्सपेरिमेंट में हम फील्ड में जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं। लैब एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, जैसे कि हम साइंस की लैब में जा जाकर हम एक्सपेरिमेंट करते थे, वैसे ही लैब में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिसर्च करेंगे, वो लैब एक्सपेरिमेंट का हो गया। उसके बाद में अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड मैंने क्या बताया था आपको, कि क्वेश्चंस है वो तो पहले से डिसाइडेड नहीं होते। मतलब जैसे आपने, आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, अपने बारे में कुछ बताओ, आपने अपने बारे में कुछ बताया, उसी से एक और क्वेश्चन निकाल लेंगे वो, है ना। फिर जो आप आंसर दोगे उसी से क्वेश्चन आंसर निकालते रहेंगे। जैसे कि आपका PhD वगैरह जिसका भी इंटरव्यू होता है, आपने देखा होगा कि सारे में क्या करते हैं, आपने कोई आंसर दिया, उसी आंसर में से कोई पॉइंट ले लिया, उन्होंने नोट कर लिया और फिर उसका नया क्वेश्चन बना दिया, फिर आपने आंसर दिया उसका नया क्वेश्चन बना दिया। ऐसे ना तो पहले से क्वेश्चन डिसाइड होते हैं, ना ही आंसर डिसाइड होते हैं, वो एट द टाइम होते हैं, तो उसको बोलेंगे अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ठीक है। फिर मेल इंटरव्यू यहाँ से अपने को करना था, है ना, या फिर मेल वाला कर लिया था अपने ने, कोई बात नहीं, यहाँ से पढ़ लेते हैं। मेल इंटरव्यू में क्या था, मेल इंटरव्यू में ना हम क्या करते हैं, जो इंटरव्यूअर होता है, इंटरव्यू लेने वाला होता है, वो क्या करेगा, जो इंटरव्यू ही होते हैं, यानी कि एक तो होगा, मान लो राम है, राम को इंटरव्यू देना है और उसका बॉस है मान लो, ठीक है, वो इंटरव्यू लेता है, तो बॉस इस राम को ना मेल करेगा, मेल के थ्रू जो इंटरव्यू लेगा उसको मेल इंटरव्यू बोलेंगे। ठीक है। और मेल क्वेश्चनेयर किसको कहेंगे, क्वेश्चनेयर क्या होता है, एक फॉर्म होता है जिसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसके आंसर अपने को लिखने पड़ते हैं ना, राइट डाउन करने पड़ते हैं। तो मेल के थ्रू अगर हम क्वेश्चनेयर भेजेंगे राम के पास में, राम उसको फिल करके वापस है वो सेंड करेगा बॉस के पास, तो वो कौन सा हो गया, मेल क्वेश्चनेयर हो गया। मेरे GRF का इंटरव्यू लेना है मैम, क्या ये जून में, ओके ठीक है ले लूँगी। रिटर्न क्वेश्चन एरर में क्या होगा, कि हम रिटर्न क्वेश्चन एरर भेजेंगे, जैसे कि इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाला जैसे कि अपना हार्ड हार्ड कॉपी के रूप में होता है, हार्ड कॉपी। मेल वाले में क्या था, हम सॉफ्ट कॉपी के रूप में भेजते थे, है ना,
और यहाँ पर क्या हार्ड कॉपी के रूप में, जैसे कि ये पर्सन है, ये गया इसके पास, इस लड़के पास, उसको बोला कि तू क्वेश्चनर भर दे मेरा, है ना, तो वो कौन सा हो गया रिटर्न क्वेश्चनर है, जो रिटर्न में होता है, और ये कौन सा होएगा क्वालिटेटिव होएगा, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा स्लाइड्स थी, इसको हम थोड़ा जल्दी कर लेते हैं क्योंकि इसमें लास्ट क्लास में भी काफ़ी टाइम लग गया था। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं कि हिस्ट्री से रिलेटेड डाटा जो अपने पब्लिश किया हुआ है ना, हिस्ट्री से रिलेटेड डाटा जो पब्लिश किया हुआ पहले से अपने पास अवेलेबल है, उन डॉक्यूमेंट का यूज़ करके जो हम रिसर्च करेंगे वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में आएगा। ओके, फिर पर्सनल डॉक्यूमेंट, पर्सनल डॉक्यूमेंट का जैसे कि ऑटोग्राफी होगी, किसी की बायोग्राफी होगी, है ना, किसी की बायोग्राफी आपको पता है ना क्या होती है कि जैसे कि अभी 12th फेल पे इनकी बुक्स लिखी हुई थी, मनोज कुमार और श्रद्धा थी, है ना, उसकी बुक लिखी हुई थी, तो वो कौन सी थी, उनकी बायोग्राफी थी, उनकी बायोग्राफी, उसकी जीवनी, हाँ हिंदी में बोलते हैं जीवनी, उनकी जीवनी पे पिक्चर बनी थी, है ना। तो पिक्चर कैसे बनी, पहले रिसर्च करी होगी ना उनकी जीवनी पर, उनकी बायोग्राफी को पढ़ा होगा, उसको समझा होगा, है ना, और उसके बाद में उस पर रिसर्च करके फिर फिल्म बनी है। तो ऐसे ही पर्सनल डॉक्यूमेंट यूज़ होते हैं। तो अब यहाँ से पढ़ते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, मैंने आपको रिसर्च एप्टीट्यूड के जो PYQ की क्लास ली थी कल या परसों थी, हाँ उसमें समझाया था ना। देखिए सोशल सर्वे क्या होता है, सोशल सर्वे मतलब कि हम सोसाइटी में जाके सर्वे करते हैं। ये क्वेश्चन भी आया था कि जो सर्वे है हम कैसे करते हैं, मतलब किस चीज़ में आएगी, तो सोसाइटी में आएगी, यानी कि सोशल सर्वे है ये, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है इसमें कि टिपिकली क्वेश्चनर डिजाइन टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन स्टैंडर्डाइज फॉर्म, कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल यानी कि बहुत सारे लोग होंगे, उनसे हम अपने पहले से डिजाइन किए क्वेश्चंस को पूछेंगे, कैसे स्टैंडर्डाइज फॉर्म में, मतलब कि हमारा कोई ना एक सिस्टम होएगा, ऐसे नहीं कुछ भी जाके पूछ लिया, जैसे कि मान लो किसी से पूछ लिया कि क्या आप अनमेरिड हो या मैरिड हो, उसने बोल दिया कि मैं अनमेरिड हूँ, तो हम ऐसे नहीं पूछेंगे कि आपके बच्चे हैं, है ना, तो एक सिस्टम होएगा, पहले हम बोल सकते हैं कि क्या आपके बच्चे हैं, वो बोलेगी नहीं है, है ना, तो हम बोल सकते हैं कि क्या आप मैरिड हो अनमैरिड हो, तो एक सिस्टम हो गया, है ना, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म होगी। तो वैसे ही हमें क्या करना है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल से हम जाके एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में क्वेश्चनर भरवाते हैं, और उससे जो हम सर्वे करेंगे उसको सोशल सर्वे बोलेंगे। इसमें दो टाइप के अपने पास क्वेश्चंस होते हैं, एक तो होता है क्लोज क्वेश्चन, एक होता है ओपन क्वेश्चन। क्लोज क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होगा, अपने पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते, सिर्फ टू ऑप्शन होंगे, येस और नो, येस और नो। हमने बोल दिया क्या आप मैरिड हैं, तो उसने यहाँ पे लिख दिया येस, येस का कॉलम बना दिया, यहाँ पे नो का बना दिया, तो वो बोलेगी येस, अगर नहीं है तो बोल देगी नहीं, है ना। और अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन हो तो कैसे होगा, ओपन एंडेड में वो बोलेगी कि नहीं मैं मैरिड नहीं हूँ क्योंकि मेरे को अभी जॉब करनी है, ये करनी है, वो करनी है, तो वो एक्सक्यूज देगी, है ना, एक्सप्लेनेशन देगी। तो यहाँ पर ज़्यादा आंसर की वो नहीं होती पॉसिबिलिटी, किसमें क्लोज्ड में, और ओपन में क्या, ओपन में किसी भी टाइप के आंसर आ सकते हैं, अपने पास बहुत सारी वेराइटी होती है, हम कैसे भी दे सकते हैं, ठीक है। और जो सोशल सर्वे होती है वो तीन टाइप से हो सकती है, पोस्टल यानी कि पोस्ट करके पोस्ट ऑफिस से हम भेजते हैं, है ना, डाक, जिसको डाक बोलते हैं, डाक के थ्रू हो सकती है, ऑनलाइन हो सकती है, फेस टू फेस हो सकती है, ठीक है। समझ के जाके, क्या है ये, समझ के जाके, ओके ये समझ में आया ना, सोशल सर्वे कैसे हो सकते हैं, पोस्टल से, ऑनलाइन से, फेस टू फेस। इसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं, बहुत सारे लोग होंगे, इनसे हम डिजाइन क्यू क्वेश्चनर भरवाएंगे, ठीक है। जैसे कि सर्वे इसमें बताया हुआ है, ये कौन सी सर्वे किस में आएगा ये ध्यान रखना है, ये अपने क्वेश्चन में आता है कि सर्वे क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है ना, तो ये आएगा क्वांटिटेटिव, क्योंकि क्वांटिटेटिव किस में आता है, डिस्क्रिप्टिव, ये जो डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव, ये डिस्क्रिप्टिव किस में आता है, क्वांटिटेटिव में आता है, किस में आता है, क्वांटिटेटिव में, ठीक है। तो ये सर्वे क्या हुई, क्वांटिटेटिव होएगी। तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है जो कि यूज़ की जाती है किसके लिए, ओपिनियन ऑफ स्पेसिफाइड पॉपुलेशन, कि कोई स्पेसिफाइड पॉपुलेशन होगी उसकी हमें ओपिनियन जाननी है, ओपिनियन मतलब कि राय, उनकी क्या राय है वो जाननी है। जैसे कि हम कोई मॉल में गए, मॉल में जितने भी पर्सन हैं, है ना, उनसे हम उनकी ओपिनियन जानने के लिए रिसर्च करते हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी कि काफ़ी सारे लोग होते हैं, वो कहीं पे मॉल में जाकर, या जैसे फूड ब्लॉगर होते हैं, तो वो जाते हैं जाके लोगों से क्वेश्चन करते हैं कि आपकी क्या राय है, कि अच्छा बनाता है खाना, नहीं बनाता है, तो वो क्या कर रहा है, वो रिसर्च ही कर रहा है ना, हाँ क्वांटिटेटिव। तो बेसिकली सर्वे मेथड क्या है, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन है, जिसमें इंफॉर्मेशन को हम गैदर, गैदर मतलब कि इकट्ठा करना, ओरल और रिटन वे। कि सर्वे में हम क्या करते हैं, या तो ओरली भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ओरली मतलब कि बोल कर, और या फिर हम लिख कर भी,
जो डाटा है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। ओनली जैसे कि हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं, आपने देखा होगा यूट्यूब पे काफ़ी चलता है ऐसे कि दो पर्सन गए, वो जगह जगह जा जा के अपने माइक में रिकॉर्ड करें, तो वो ओरली हो गया। कुछ बंदे होते हैं वो एक क्वेश्चनर ले रखते हैं है ना, उस क्वेश्चन पे टिक करते रहते हैं, कोई बताते हैं तो भी रिटर्न में हो गया ऐसे। तो सर्वे रिसर्च आपको समझ में आ गई ना? सर्वे रिसर्च है वो दो टाइप की होती है। पहला नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू रिस्पोंडेंट, कि जो रिस्पोंडेंट है उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होएगा। और दूसरा कौन सा होएगा? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू रिस्पोंडेंट, इसमें मतलब कि हम खुद जाके पर्सनली उनसे नहीं मिलते हैं, और फिर जब हम रिसर्च करेंगे उसको बोलेंगे नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। वन सेकेंड, इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ। आपको फॉन्ट सही दिख रहा है क्या? देखना अभी ठीक दिख रहा है। हाँ, दोनों से कर सकते हैं। ओके ठीक है। नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में कैसे है? अब इसका एग्जांपल आप दोगे मेरे को कि हम फेस टू फेस जाके नहीं कलेक्ट करते, इट मींस हम पोस्ट से दे रहे हैं है ना, मेल से कर रहे हैं कलेक्ट, या फिर हम क्या कर रहे हैं ऑनलाइन कर रहे हैं, ऐसे कर सकते हैं ना, जिसमें हम खुद प्रेजेंट नहीं होते हैं फेस टू फेस। तो वो क्वेश्चनेयर के थ्रू होएगा है ना, क्वेश्चनेयर हम भेज देंगे। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? बोलते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली, एक प्रश्नावली होती है, उसको हम भेज देंगे पोस्ट के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, मेल के थ्रू, और जो पर्सन है वो उसके आंसर्स को टिक कर देगा, आंसर दे देगा, फिर उसके पास भेज देगा। तो उसमें हम डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या होएगा? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आप खुद सोचो कि डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट करो, इट मीन्स आप उससे बात कर रहे हो, पर्सनली इंटरव्यू ले रहे हो, या तो जो कि फेस टू फेस हम देते हैं है ना, या तो आप टेलीफोन पे बात करें, उसमें भी तो आपका प्रेजेंट होना पड़ेगा। आप बात कैसे करोगे? अपने मुंह से करोगे है ना, तो उसके लिए आप प्रेजेंट हो ना। तो वैसे तो डायरेक्ट में आ जाएगा पर्सनल और टेलीफोन, नॉन डायरेक्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चनएयर। और इसमें भी पूछ ले क्वेश्चन एरर कैसे भेज सकते हो, तो ऑनलाइन पोस्ट और मेल से भेज सकते हो। क्वेश्चन एरर क्या होता है? क्वेश्चन एरर मैंने आपको बताया ये क्या होता है, एक पेपर होता है, एक पेपर होएगा, और पेंसिल टूल इन विच वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड टू रिस्पोंडेंट बाय द रिसर्चर। मतलब देखो ये दिख रहा है ना, ऐसा ही होता है क्वेश्चन एरर है ना। ये आपके पास एक पेपर होएगा, इस पेपर पे कुछ वर्ड्स लिखे होंगे, कुछ सेंटेंस लिखे होंगे, लाइन लिखी होगी, यहाँ पर ऐसे बॉक्सेस से बने होंगे, आपको बस उसके आंसर टिक करना है कि आपको कौन सा सोप पसंद है। सोप में मान लो आ गया लक्स, डव है ना, तो आपको टिक करना है, जैसे कि डव पे कर दिया। मान लो आप, आपसे पूछ लिया कि आपको कहाँ से शॉपिंग करना पसंद है, मॉल से या लोकल मार्केट से, तो ऐसे टिक कर दिया। या आपको कौन सा ब्रांड पसंद है, आपको गुच्ची पसंद है या फिर प्राडा पसंद है, कौन सा पसंद है, इसमें हम लोग पोस्टल टिकट भी अटैच कर देते हैं। हाँ गुड आफ्टरनून, हाँ कर देते हैं, इसमें सारी चीज़ कर देते हैं, क्योंकि पोस्ट की जो फी वगैरह लगती है ना, उसके लिए ना कई पर्सन ऐसे होते हैं वो रिस्पॉन्स नहीं करते, वो सोचते हैं हमारे पैसे लगेंगे, हम क्यों करें रिस्पॉन्स। तो उनको ना बेनिफिट अगर हम देंगे तो फिर वो अपने आप से रिस्पॉन्स करेंगे, तो ये भी है, इंसेंटिव भी देने पड़ते हैं अपने को ताकि वो रिप्लाई सेंड करें, उनको बर्डन ना हो एक्सपेंस का। हाँ यही मैं बता रही थी, उनको क्या है अगर हम पैसे अटैच करके भेजेंगे, जैसे टिकट वगैरह दे दी, डिस्काउंट भी देते हैं, कुछ गिफ्ट्स भी सेंड करते हैं काफ़ी, तो है ना, तो उससे क्या होता है उनको लालच आ जाता है कि हाँ चल ठीक है, हमें सिर्फ फिल करना है, हमारे पैसे नहीं लग रहे हैं, तो इस वजह से वो कर देते हैं। और क्वेश्चन एरर कैसे होने चाहिए? क्वेश्चन एरर एकदम सिंपल होने चाहिए, ऐसे नहीं कि उसका टाइम ज़्यादा हो, पार्टिसिपेंट का अगर टाइम कंज्यूमिंग होएगा तो वो नहीं करेगा है ना। तो ऐसे तो क्वेश्चन एरर आपको समझ में आ गया ना, बस एक पेपर होगा जिसके ऊपर पेंसिल से पेन से लिखा हुए होंगे क्वेश्चंस वगैरह, और उसके आंसर आपको टिक करने हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें दे दिया व्हाट पीपल से डू बिलीव लाइक डिसलाइक, ये किस लिए बनाते हैं? हम देखना चाहते हैं कि पीपल है वो क्या बोलते हैं, क्या बिलीव करते हैं, क्या डिसलाइक है, डिसलाइक मतलब कि उनको क्या नापसंद है, क्या पसंद है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो क्वेश्चन एरर बिल्कुल ईजी है। क्वेश्चन एरर दो टाइप के हो सकते हैं, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ है ना, ओपन एंडेड हो सकते हैं, क्लोज एंडेड हो सकते हैं। ओपन एंडेड मीन्स कि इसके अंदर क्वेश्चन जो होंगे ना वो तो डिसाइडेड होंगे, लेकिन उसके आंसर है ना, जैसे एक सेंटेंस की लाइन दे दी, दो सेंटेंस की लाइन दे दी, इसमें आप कुछ भी फील कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया ओपन एंडेड, इसमें आपकी परसेप्शन, आपकी राय ये डाल सकते हैं। लेकिन क्लोज एंडेड, वन सेकेंड दो, पानी पीना पड़ेगा। सॉरी, यही एक्सपेंस के लिए यूजीसी फेलोशिप देती है।
कहाँ थे हम, क्लोज एंडेड में क्या था, क्लोज एंडेड में हम क्या करेंगे, और 1 मिनट रुको, ठीक है, पी लिया, ठंडा ही पी लिया। हाँ, क्लोज एंडेड में क्या था, क्लोज एंडेड में हम ना क्वेश्चंस तो पुट आउट करेंगे, क्वेश्चन तो रिडम कर देंगे, जैसे कि हमने बोल दिया यस और नो वाले, यस और नो वाले क्लोज एंडेड, जो मैंने क्वेश्चंस का बताया था वही यहीं पे होंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसके सामने 2 बॉक्सेस होंगे, सिर्फ आपको इतना बताना है कि यस और नो में आप कोई भी अपने आप से नहीं लिख सकते हो, आपके परसेप्शन वो क्लोज एंडेड में आ जाएगा। क्लोज एंडेड में या तो आ सकता है डायक्टोमियस, डायक्टोमियस मतलब कि जिसमें दो ही आंसर हो, या तो यस हो या फिर नो, ये वाला कौन है, गुड आफ्टरनून मैम, ओके गुड आफ्टरनून। फिर आ सकता है मल्टीपल रिस्पॉन्स वाला, मल्टीपल रिस्पॉन्स जैसे कि अपना लिकर्ट स्केल होता है, लिकर्ट स्केल आपने नहीं पढ़ा है ना, अगर नहीं पढ़ा है शायद रुको, इसके बाद में आएगा लिकर्ट स्केल, ओके। लिकर्ट स्केल में क्या होता है, लिकर्ट स्केल में अपने पास जो रैंसस लिकर्ट ने दिया था है ना 1932 में दिया था, ये मैंने आपको स्टेटिक्स की जो क्लास थी ना पेपर 2 की उसमें बताया था। तो अपने पास क्या होता है, 5 आंसर हो सकते हैं, यहाँ पे होगा जैसे कि एक्सीलेंट है ना, यहाँ पे हो गया मॉडरेट, यहाँ पे हो गया न्यूट्रल, यहाँ पे हो गया अपना बैड, तो अपने पास 5 रिस्पॉन्स हो सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, देखो आपसे कोई ब्रांड के बारे में पूछ लिया, मान लो चॉकलेट के बारे में, ठीक है, कौन सी चॉकलेट, अमूल की चॉकलेट आती है क्या, नहीं नहीं आती है, रुको, कैडबरी की आती है, डेयरी मिल्क की, डेयरी मिल्क, आपसे पूछ लिया कि डेयरी मिल्क की चॉकलेट है वो आपको कितनी पसंद है, मॉडरेट मतलब कि मीडियम, ओके, एक्सीलेंट मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, बैड यानी बिल्कुल नहीं पसंद, न्यूट्रल मतलब कि ठीक ठाक है, ना ज़्यादा अच्छी ना, मतलब ऐसे आप चॉकलेट खाओ तो भी आपको फील नहीं होता, ना खाओ तो भी, तो ऐसे आपके पास क्या मल्टीपल क्वेश्चंस आ गए, लेकिन इसमें भी क्या हो गया, लिमिटेशन आ गई, देखो इस 4 के अलावा कोई आंसर नहीं दे सकते आप, है ना, इन 4 के अलावा कोई आंसर नहीं दे सकते, इनमें आप टिक कर सकते हो कि आपको कितने, जैसे कि 5 स्टार वाली नहीं होती, जैसे कि अपने को स्टार मिले होते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार, तो हम बोल देते हैं कि 1 स्टार होएगा तो एकदम बैड हो जाता है ना, फिर क्या होता है गुड, गुड नहीं एवरेज, एवरेज पे फिर हो जाता है गुड, फिर एक्सीलेंट, हमें जब भी हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं या कुछ भी करते हैं तो वहाँ पे रेटिंग नहीं होती, रेटिंग में भी ये क्या होता है लिमिटेड स्कोप होता है, रेटिंग किस में आएगी, रेटिंग में आती है क्लोज एंडेड में, क्योंकि यहाँ पर हम क्या इन इन 4 स्टार के अलावा कोई ऐसे नहीं है 6 स्टार दे देंगे 7 दे देंगे, जितने पहले से ही डिसाइडेड है उसमें से ही अपने कौन सा देना होता है, आ रहा है समझ में क्या क्या बोल रही हूँ मैं, तो वैसे ही मल्टीपल रिस्पॉन्स दे सकते हैं। और स्केल, स्केल में वही लिकर्ट स्केल, रैंसिस और सिमेंटिक स्केल वाला हो गया, स्टेपल स्केल हो गए, वो अगर आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, अभी लिकर्ट तो आपको समझा ही दिया था मैंने, तो स्केल मतलब कि जो भी मैं बता रही हूँ, जैसे कि 4 स्केल हो गया जिसमें 4 पॉइंट्स हो गए अपने पास, उसके अलावा हम कोई भी आंसर नहीं दे सकते हैं, ऐसे ही 7 स्केल भी होते हैं है ना, ऐसे करके, तो ये थे अपने क्वेश्चंस के टाइप्स। अब देखो क्लोज एंडेड में समझा चुकी हूँ आपको, ठीक है, क्लोज एंडेड में डायक्टोमियस मतलब कि येस और नो वाले, लाइक और डिसलाइक वाले, ठीक है, फॉल्स और ट्रू वाले किसमें आएंगे, फॉल्स और ट्रू वाले भी इसमें आएंगे डायक्टोमियस में, क्योंकि इसमें 2 ही ऑप्शन होते हैं, मल्टीपल चॉइस में आपको बता दिया मैंने 4 5 6 ऐसे आ सकते हैं, स्केल में जितने भी स्केल्स अपने पास होते हैं जिसमें हम बोलेंगे कि रैंक दो आप, ऑर्डर दो किसको, कि आपको ये कितना अच्छा लगा, कि आपको न्यूट्रल लगा, आपको बैड लगा, आपको एक्सीलेंट लगा, ऐसे आती है अमूल की भी, हाँ आ रहा है मुझे भी, ओके थैंक यू। अच्छा अमूल की मेरे को चॉकलेट नहीं पता, मेरे दिमाग में ना सच बताऊँ तो आइसक्रीम घूम रही थी कि आइसक्रीम का एग्जांपल हो, फिर मैंने सोचा सभी बोलेंगे आइसक्रीम क्या ठंड में, तो मैंने चॉकलेट का एग्जांपल लिया। देखो एग्जाम्पल ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन, देखो एग्जाम्पल दिखा रही हूँ मैं आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन के, जैसे कि हाउ वुड यू इवेल्युएट द वर्क डन बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट, कि आप ना प्रेजेंट में अपनी जो गवर्नमेंट है
उन्होंने क्या क्या काम करा है या क्या क्या अच्छी चीजें करी है, उसको कैसे डिफाइन करोगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। तो कुछ बच्चे होंगे वो बोलेंगे कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा काम करा है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि जैसे रोडवेज वगैरह हो गया इन सब का। कुछ बोलेंगे कि स्कीम अच्छी अच्छी चला दी, कुछ बोलेंगे कि हाँ गरीबों को भी अच्छा हुआ है, कुछ ऐसे वो सरकार को क्रिटिसाइज करेंगे, उसकी बुराइयां करने लग जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों टाइप के क्वेश्चन के आंसर आ सकते हैं ना, है ना। क्वेश्चन तो एक ही था अपना, आंसर अलग अलग आ सकते हैं क्योंकि ये ओपन एंडेड है। जैसे कि आई लाइक नेस्कैफे बिकॉज, मैं नेस्कैफे कॉफी या फिर जो भी चाय वगैरह है उसको पसंद करता हूँ क्योंकि। अब क्योंकि का आगे का जो मीनिंग है वो हर एक पर्सन अलग अलग देगा, तो वो ओपन एंडेड में आ गया। और डायक्टोमियस में कि आर यू डायबिटिक, मतलब क्या आपको डायबिटीज है, यस और नो में आप आंसर दे सकते हो। या फिर व्हाट काइंड ऑफ कोला यू ड्रिंक, आप किस टाइप का कोला पीना पसंद करते हो, नॉर्मल या फिर डाइट वाला। डाइट कोक भी आती है ना गौरव, तुझे जल्दी ही प्रोफेसर बना है। थैंक्स, आई विल टेक इट एज ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, चैट में गप्पे मार रहे हो, ऐसे नहीं पढ़ लूँ। देखो मल्टीपल रिस्पॉन्स वाले ये रहे, सारे एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं स्लाइड में, आप जाके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो इस पीडीएफ को, ठीक है। ये रिचीआर निशा इनसाइट, यही चैनल अपने है, इसे कर लेना। देखो मल्टीपल रिस्पॉन्स वाले भी एग्जाम्पल है, हाउ मच यू स्पेंड योर ग्रोसरी प्रोडक्ट, कि आप अपने जो अर्निंग है उसका कितना परसेंटेज है वो ग्रोसरी प्रोडक्ट पे लगाते हो। ग्रोसरी प्रोडक्ट जैसे कि किराना का सामान होता है ऐसे, तो लेस देन 2,500 या बिटवीन 2,500 और 5,000 के बीच में, है ना, या फिर 5,000 से ज़्यादा खर्च करते हो, ये आपको बताना है। तो ये अपना हो गया। और स्केल के एग्जांपल में मैंने बताया ना कि कितना आप एग्री करते हो, वेरी मच एग्री, समवट एग्री, मतलब कि कुछ एग्री करते हो कुछ नहीं करते, न्यूट्रल में मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एग्री करो ना करो। नॉट मच एग्री मतलब कि डिसलाइक करता है, और नॉट एट ऑल आई एग्री मतलब कि बिल्कुल बैड प्रोडक्ट है, ठीक है। बिल्कुल निशा मैम, इतना अच्छा स्टडी करवाते हैं, सब बन सकते हैं। ओके, पर्सनल इंटरव्यू आपको मैं करवा चुकी हूँ ऊपर, ठीक है। टेलीफोन इंटरव्यू, टेलीफोन पर इंटरव्यू लेगा एक पर्सन होएगा, जैसे कि मैं मान लो निशा ही, मान लो निशा है, वो गौरव को क्या करेगी, टेलीफोन करेगी, है ना। टेलीफोन करके उससे पूछेगी, जैसे मेरी कंपनी है, मेरी आइसक्रीम की कंपनी है, ठीक है, मैं उससे टेलीफोन करके पूछूंगी कि आपको हमारी कंपनी की आइसक्रीम कैसी लगी और आप इसको कितनी रेटिंग देना चाहोगे, है ना। तो मैं बोलूँ कितनी रेटिंग देना चाहोगे, तो 5 रेटिंग स्केल है, तो वो बताएगा कि मेरे को 2 रेटिंग देनी है, 5 रेटिंग देनी है ना, ऐसे। तो वो टेलीफोन इंटरव्यू हो गया, टेलीफोन पे मैं इससे जानकारी ले रही हूँ। अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना, जो कि अपने एनटीए के एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो ये चीज़ ध्यान रखना। एक तो रिलायबिलिटी और एक कौन सी, वैलिडिटी। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको अच्छे से कर जाना, ये बार बार पीवाईक्यू में रिपीट होते हैं। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। ये मैंने आपको रिसर्च एप्टीट्यूड के ही क्लास में करवाया था कल परसों, पीवाईक्यू की क्लास में, ठीक है। अगर नहीं देखा तो दोबारा से देख लेना, आपकी रिविजन हो जाएगी। देखो, गिविंग दी सम मोर कंपेटिबल रिजल्ट इन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट सिचुएशन इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। बाई रिलायबिलिटी और टेस्ट मीन हाउ डिपेंड, इसको छोड़ो मैं बताती हूँ। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब कि आज मैंने कोई काम करा, ठीक है, उससे जो रिजल्ट आए, सेम रिजल्ट बार बार काम करने से आने चाहिए, है ना। मैंने रिसर्च करी तो सेम रिजल्ट आए, मान लो 100% रिजल्ट आए, तो अगर गौरव ने करी तो उसके भी 100% आने चाहिए। और अगर कौन है ये एनटीए नेट जेआरएफ, इसने रिसर्च करी तो इसके भी 100% रिजल्ट आए। तो इट मीन्स जो मेरा डाटा है वो क्या है, कंसिस्टेंस है, क्या है, कंसिस्टेंट है, भरोसेमंद, हाँ भरोसेमंद है डाटा। क्यों, अगर देखो इसका एग्जाम्पल ये रहा, ये है टारगेट वाला, है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं, किसी को इसका पता है तो मेरे को बताओ इसको क्या बोलते हैं, ये वाला जो ग्राफ बना हुआ है इसका नाम मेरे माइंड में नहीं आने लग रहा। सतत प्रयास, हाँ कंटिन्यू प्रयास करना चाहिए, कंटिन्यू एफर्ट्स करने चाहिए। पहले पहले हमने जब टारगेट लगाया ना तो यहाँ पे लगना चाहिए, देखो ये सेंटर पॉइंट है ना, यहाँ पर अपने ये निशाने हैं वो लगने चाहिए, लेकिन कहाँ लग रहे हैं, इधर 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 लग रहे हैं बार बार, यानी कि यहाँ पर क्या है, इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। ओके, उसके बाद में हमने जब लगाया है ना निशाने, तब इधर 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 लग रहे थे, तो यहाँ पर भी क्या है, इनकंसिस्टेंट है। यहाँ पर देखो वैलिड कहाँ पे होता है, वैलिड पेड क्लासेस नहीं होगी मैम आज, पेड क्लासेस तो अपनी होती नहीं ना,
ये पेड़ की तरह ही है, यहाँ पर आपको पैसे नहीं देने पड़ते, पर जो कोर्स है अपना वो पूरा का पूरा पेड़ कोर्सेज की तरह ही है। आपको ये तो मैंने बताया हुआ है, आप नए हो शायद क्लास में। देखो मैं बता देती हूँ, 1 मिनट लूँगी, कि जो अपना ये चैनल है ना JRF निशा इंसाइट्स, इस पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर 1 और पेपर 2, पहले पेपर 1 फिर पेपर 2 करेंगे, ठीक है? और पेपर 2 की वैसे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो इसका जैसे पेड कोर्सेज होते हैं ना सेम वैसे ही आपको करवाया जा रहा है, बट फ्री में करवाया जा रहा है, ठीक है? क्योंकि मैं सिर्फ पैसे के लिए नहीं पढ़ा रही हूँ, मेरे को ऐसे कि बच्चों को बस नॉलेज देनी है, क्योंकि मैंने खुद ने 14,000 खर्च करके फिर ये कोर्स लिया था मेरी मैम का, है ना? तो उससे मैंने पढ़ा था, तब मैंने देखा कि काफ़ी बच्चे थे, काफ़ी नहीं बहुत सारे बच्चे थे, वो बोलते थे टीचर्स को कि हमें पढ़ना है बट हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्लासेस, इस वजह से वो बोलते रहते थे कि फ्री में कंटेंट दो कंटेंट दो, बट टीचर्स है वो अपना नुकसान नहीं कर सकते ना, इसलिए वो फ्री में नहीं देते थे। अगर देते थे तो वो इस टाइप का कंटेंट देते थे जो कि एग्ज़ाम में इतना नहीं आता। तो तब मैंने सोचा था कि मैं, मेरा हो जाए नेट, उसके बाद में मैं करवाऊँगी बच्चों को, कि मतलब थोड़ा सा मेरा ज़्यादा लगेगा टाइम बट ठीक है। मैम बैच ले रखा है आपका, मैंने मैम, अरे मेरा कोई बैच नहीं है, मेरे नाम से कौन बैच दे रहा है भाई, मेरा कोई भी बैच नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पे, जो ये देखो ये चैनल है इस पे पढ़ाती हूँ सिर्फ मैं, वो भी फ्री में, मैं कोई पैसे नहीं लेती हूँ। अगर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो आप देखो, निशा सैनी हो ना मैम आप, हाँ मैं क्या यार हद है, निशा ही हूँ मैं, ये देखो नाम लिखा हुआ निशा 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 सैनी। मेरा चैनल नहीं देखा क्या आपने? रुको यहीं दिखाती हूँ आपको, हद होगी, मेरे को लग रहा है क्या ही हो रहा है यूट्यूब। सारा फ्लो टूट गया अपना पढ़ने का। JRF निशा शो हो रहा है क्या आपको? निशा इनसाइट्स, अभी दिख रहा है? ये देखो ये क्या लिखा हुआ मैंने, हाय हेलो वंडरफुल व्यूअर, आई एम निशा सैनी। भाई ये कौन है मैम की नाम से पेड कोर्सेज बेच रहा है, मुझसे मिलवाना जरा, आप पढ़ाओ मैम, बैच ले रखा है मैंने आपका। अरे नहीं मेरा कोई बैच नहीं है, मैंने अभी पढ़ाना स्टार्ट करा, देख लो हद हो रखी है। ये देखो ये आपको दिख रहा होगा अभी, एक ही कौन फोन करे जा रहा है मेरे को बार 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 बार, 1 सेकेंड रुको यार आप, एक कॉल पे कॉल आई जा रही है, आपको ये दिख रहा है क्या स्क्रीन, मेरे को बताओ। अरे मैम आप आगे पढ़ाओ, ओके ठीक है पढ़ाती हूँ, बस 1 सेकंड, मेरे को ये हो रहा है कि मैंने तो बेचा ही नहीं कोई कोर्स। ये देखो ये लिखा हुआ यहाँ पे, निशा सैनी इज ए 3 टाइम कॉमर्स अचीवर, ये वो, और यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ये क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं कोई भी कॉस्ट नहीं लेती हूँ ना पैसे लेती हूँ, ठीक है? ये देखो कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है? अगर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो आप देख लो भाई जाके, मैंने कोई बैच नहीं दिया, यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है मैंने कि ये फ्री में ही पढ़ाती हूँ, मैं फ्री में ही पढ़ाऊंगी, आगे जाके भी मैं फ्री में ही करवाऊंगी, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ मैंने उन बच्चों के लिए ओपन करा है जिसको पढ़ना है एक्चुअल में और क्रैक करना है एग्ज़ाम, और वो अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है? देखिए अब टॉपिक पे वापिस आते हैं, टाइम काफ़ी हो गया अपना ख़राब, कोई और निशा होगी, मैं नहीं हूँ वो, ठीक है? कहाँ पे थे हम? टॉपिक था अपना कंसिस्टेंसी वाला, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में क्या था, रिलायबिलिटी में मैंने आपको बताया कि अगर जो टारगेट है इसके सेंटर में अपना आना चाहिए, है ना, रिजल्ट, बट क्या हो रहा है अपने साइड साइड में आ रहा है, तो ये क्या हो गया, अनरिलायबल हो गया, कोई इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है? अनरिलायबल, और ये वैलिड भी नहीं होगा, वैलिड कब होगा, जब सेंटर में अपना रिजल्ट आएगा, ठीक है? तो इनवैलिड भी हो गया ये, इनवैलिड, 1 सेकेंड, इनवैलिड
और अनरिलायबल हो गया, जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते। क्योंकि देखो हमारा रिजल्ट क्या आना था, रिजल्ट सेंटर में आना था। इट मीन्स हमारा रिजल्ट मान लो 100 में से 50 नंबर आते अगर हमारे, तो हम वैलिड होते, तो हम एग्जाम क्रैक कर लेते, तो हम रिलायबल होते। बट अगर 100 में से अगर हमारे आ रहे हैं 20 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, तो इट मीन्स हम क्या है, इनवैलिड है, क्योंकि एग्जाम में फेल हो जाएंगे और अनरिलायबल भी हो जाएगा। इस पर विश्वास नहीं कर सकते, है ना। मोर देन 50% अगर रिजल्ट एक्यूरेट आता है तो ही हम उस पर क्या करते हैं, बिलीव करते हैं। वैसे ही यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में क्या है, अनरिलायबल है बट वैलिड है। क्यों? क्योंकि देखो अनरिलायबल क्यों है, क्योंकि डाटा कंसिस्टेंट नहीं है, इधर आ रहा है कभी इधर आ रहा है, कभी इधर आ रहा है, कभी इधर आ रहा है ना। बट एक इस पे भी आ गया पॉइंट पे, यानी कि 50% से ज्यादा आ गया, तो वैलिड तो हो गया, हम एग्जाम में पास तो हो गए, बट कंसिस्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि 50 से ज़्यादा परसेंटेज होते हैं ना, तो विश्वास होता कि भाई हाँ ये बात सच बोल रहा है। अगर कोई पर्सन है वो बार 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 अपनी बातें चेंज करता है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस पे तो विश्वास ही नहीं किया जा सकता, है ना। हम ऐसे ही बोलेंगे, इस पे कौन तो विश्वास करे, तो इट मीन्स वो रिलायबल नहीं है, तो यहाँ पर भी डाटा रिलायबल नहीं होएगा। वैसे ही अगर थर्ड ऑप्शन में हम देखें, तो डाटा क्या है, यहाँ पे क्या रहा था, दूर दूर आ रहा था, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, लेकिन यहाँ पर जो डाटा है ना वो एकदम पास पास आ रहा है। जैसे देखो डॉट बना के दिखाती हूँ, इधर डॉट आ गई, इधर 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 एक साथ आ रही है, मतलब इसी एरिया में आ रहे हैं ये। मान लो फर्स्ट एरिया, ये सेकंड एरिया, थर्ड एरिया, ये फोर्थ एरिया, तो जितना भी डाटा है ना वो सारा सेकंड एरिया में आ रहा है। इट मीन्स ये कंसिस्टेंट तो है, यानी कि इस पर्सन ने एक कोई बात बोली तो आज भी वो बोली, बस एक तो वर्ड चेंज करके कल बोली, फिर परसों भी सेम बात बोली, यानी कि कंसिस्टेंट तो है, डाटा तो रिलायबल है बट वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि सेंटर में नहीं आ रहा, ठीक है, कंसिस्टेंट तो है पर वैलिड नहीं है। ऐसे ही अगर फोर्थ ऑप्शन देखें, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो जो जहाँ पे आना चाहिए था डाटा वहाँ पे आ रहा है, इट मीन्स ये वैलिड है, ठीक है। बट इसके साथ देखो ये जो पॉइंट्स है ना, जो डाटा है वो एक दूसरे के एकदम पास पास आ रहा है, एकदम क्लोज क्लोज आ रहा है, इट मीन्स ये क्या है, ये वैलिड भी है और रिलायबल भी है। जो बात हमने कल बोली थी सेम ही आज बोल रहे हैं, सेम ही परसों बोल रहे हैं, तो डाटा क्या है, रिलायबल और वैलिड दोनों है। अब आया समझ में आपको रिलायबिलिटी का मीनिंग, समझ बताइए मेरे को, रिलायबिलिटी क्लियर हुई या नहीं हुई? रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जो चीज़ हम कर रहे हैं वो बार बार एकदम पास पास रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसे नहीं आज एक बात बोल दी वो किसी दूसरी बात से बिल्कुल अलग हो गई। मैंने बोल दिया कि मैं स्टडी नहीं करती हूँ, और मैंने बोल दिया कि मैं स्टडी करती हूँ, तो ये दोनों बातें एक दूसरे से क्या होगी, दूर दूर होगी, है ना, अपोजिट होगी। अगर मैं बोलूँगी मैं स्टडी करती हूँ, 4 आवर्स करती हूँ, फिर मैंने बोल दिया 4 आवर्स 15 मिनट करती हूँ, ये डाटा पास पास हो गया, इट मीन्स ये रिलायबल है, इस पर विश्वास किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही जो ग्रोनेल्ड था और लिन था, इसने डेफिनेशन दिया रिलायबिलिटी की, क्या बोलता है ये, रिलायबिलिटी रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ मेजर, दैट इज हाउ कंसिस्टेंट टेस्ट स्कोर और अदर इवेल्युएशन रिजल्ट आर फ्रॉम वन मेजरमेंट टू अदर। ये कहता है कि रिलायबिलिटी है वो एक ऐसी कंसिस्टेंसी है, देखो इसने भी कंसिस्टेंसी वर्ड यूज कराया है ना। ये कहता है कि मेजरमेंट का एक ऐसा ये मेथड है जिसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा जो टेस्ट स्कोर है वो कितना कंसिस्टेंट है, कितना रिलायबल है, कितना इस पे विश्वास किया जा सकता है, और दूसरों के स्कोर से कितना अलग है ना, दूसरों के रिजल्ट से। ऐसे ही अनास्टी बोलता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन अपने एग्जाम में नहीं आती है, मैंने आपको बता दिया कि रिलायबिलिटी क्या होती है, ठीक है, वही मेन था। अब इंट्रोडक्शन में देखो, रिलायबिलिटी ऑफ एनी रिसर्च ऑफ डिग्री विच इज गिव एन एक्यूरेट। अब रिलायबिलिटी क्या होती है, एक ऐसी डिग्री होती है जो हमें एक्यूरेट रिजल्ट बताती है ना। क्रॉस ए रेंज ऑफ मेजरमेंट इट कैन दस बी व्यूड एज रिटिव। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्या कहते हैं, रिपीटेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि रिपीट होनी चाहिए। आज मैंने कोई बात बोली वही सेम बात मेरे को कल रिपीट करनी होगी, अगर वही सेम बात मैं परसों रिपीट करूंगी, इट मीन्स तीनों बार सेम रिजल्ट आ रहे हैं ना, तो इट मीन्स ये क्या है, कंसिस्टेंट है। अब एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई चीज़ कंसिस्टेंट होती है, कंसिस्टेंट होती है, तो क्या वो वैलिड होगी, है ना। अगर कोई चीज़ रिलायबल है, रिलायबल, तो क्या वैलिड होगी, इसका मेरे को बताओ। ये जरूरी है कि जो रिलायबल होगा वो वैलिड हो? नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हम कोई झूठ है उसी को बार बार सेम 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 बोल रहे हैं, है ना, हम कोई गलत डाटा है उसको ही बार बार सेम 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 प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि वो वैलिड हो। वैलिड का मतलब तो क्या, आर वी मेजरिंग व्हाट दैट वी वांट टू मेजर, मतलब कि क्या हम वो ही मेजर कर रहे हैं जो हम मेजर करना चाहते हैं, है ना।
वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? वैलिडिटी का मतलब तो यही होता है ना कि हम जो मेजर करना चाहते हैं क्या हम वही मेजर कर रहे हैं। मतलब कि अगर हमें 100 में से 50 मार्क्स चाहिए तो क्या हम हमारे 50% मार्क्स ही आ रहे हैं, 50% मार्क्स ही आएंगे जितना हमें चाहिए तो वो वैलिड हो जाएगा। बट अगर बार बार मान लो मेरे 47 47 47 47 ऐसे आ रहे हैं तो इट मीन्स ये कंसिस्टेंट तो है, देखो सेम तो आ रहा है डाटा, तो इसको हम रिलायबल तो बोलेंगे बट वैलिड नहीं बोलेंगे, क्योंकि वैलिड के लिए अपने को क्या चाहिए, 50% चाहिए ना। तो ये जो चीज़ रिलायबल होएगी जरूरी नहीं है कि वो वैलिड हो, ठीक है, लेकिन जो चीज़ वैलिड होएगी हो सकता है वो रिलायबल हो, ठीक है। ये स्टेटमेंट है वो असर्शन रीजन में अपने इतनी बार आती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर पूछ ले कि जो रिलायबल चीज़ होती है या फिर रिलायबिलिटी है वो क्या हमेशा वैलिड होगी, तो हम बोलेंगे नो, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, फॉर रिलायबल है वो वैलिड होगी। लेकिन जो चीज़ वैलिड होएगी यानी कि 50 आ रहा है डाटा बार बार, तो इट मीन्स वो रिलायबल भी होगी, है ना। ऐसे अब देखो मेथड ऑफ रिलायबिलिटी, ये अपने कितनी बार आता है मेथड ऑफ रिलायबिलिटी, इसके तो आप PYQ उठा के देखो, 2023 के देखोगे ना, फेब के, मार्च के और जून के, इनफैक्ट दिसंबर में भी आए हुए हैं। आपको मैंने दिसंबर के PYQ करवाए हैं ना, फेब मार्च के भी करवाए हैं और जून के अभी मैं रिसर्च के करवा रही हूँ, उसमें भी ये टॉपिक मैंने आपको बताया था कि यहाँ से तो आने ही आने हैं क्वेश्चन, इस चीज़ को तो आप अच्छे से करके ही जाओ, ठीक है। तो इसमें आएगा टेस्ट, रीटेस्ट, रिलायबिलिटी, स्प्लिट हाफ, पैरेलल, इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड और स्कोर रिलायबिलिटी। ओके, टेस्ट रीटेस्ट में क्या करते हैं हम, टेस्ट रीटेस्ट जो अपनी रिलायबिलिटी होती है, अब देखो ये टाइप्स और दिए हुए हैं, इंटर रीटेस्ट, स्प्लिट हाफ, टेस्ट रीटेस्ट, मतलब बार बार दो तीन स्लाइड दी हुई है मैंने आपको, जिससे समझ आता है उससे कर लेना। टेस्ट रीटेस्ट में हम क्या करते हैं, सेम टेस्ट होता है अपने पास, क्या होता है, सेम टेस्ट होता है, सेम ही पर्सन होते हैं, है ना, सेम टेस्ट को हम सेम पर्सन पे सेम टाइम पे भी ले सकते हैं, या फिर सेम जो टेस्ट होएगा उसी को अलग अलग पर्सन पे हम लेंगे। जैसे कि मान लो हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के मेथड्स का टेस्ट लिया, टीचिंग एप्टीट्यूड के मेथड का टेस्ट लिया, मेरे पास चार बच्चे थे, कौन सा, मान लो राम, श्याम, सीता, सीता छोड़ो, गीता, ये तीन बच्चे थे, मान लो तीन बच्चे थे, इन तीन बच्चों से मैंने टीचिंग के मेथड का टेस्ट लिया, ठीक है, इनका रिजल्ट आया मान लो 70% आया, ओके। फिर मैंने सेम ही जो टेस्ट था, सेम ये 10 क्वेश्चन ही मैंने कौन है ये, गौरव से, रोहित से और ये NTA इससे लिया, तो इसी से मैंने टेस्ट लिया, इनके मान लो आगे 60%। फिर सेम ही टेस्ट मैंने मान लो निशा, पूजा, और कोई पर्सन, सत्यम, इनसे लिया, तो इनसे मैंने देखा कि इनका 70% आ रहा है, तो मैं क्या देखूंगी कि सेम ही टेस्ट को बार बार अलग अलग लोगों से मैं लूंगी और फिर मैं पता लगाऊंगी कि मेरा जो डाटा है वो कितना कंसिस्टेंट है। देखो पहले आ रहा था 70, फिर 70, फिर 60, यानी कि 60 70 70 ये ना करीब करीब आ रहा है, इट मीन्स ये रिलायबल है, तो रिलायबिलिटी टेस्ट हो रही है ना यहाँ से, तो वो होगी टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। ओके, ये देखो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी एक मेजर है रिलायबिलिटी का जो एडमिन स्टेट करता है सेम टेस्ट को, देखो सेम टेस्ट है ट्वाइस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टू सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जो मैंने आपको पहले बताया था सेम ही वही लिखा हुआ है यहाँ पे, कि जो सेम टेस्ट है वो ही हम सेम ही ग्रुप के लोगों से, है ना, बार बार लेंगे, ताकि अपने को पता चले कि हाँ कंसिस्टेंट है डाटा या नहीं है, हम इस पे भी बिलीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखो सेम टेस्ट ट्वाइस मतलब कि दो बार ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, आ रहा है समझ में, सेम टेस्ट को सेम ग्रुप से बार बार लेंगे। जैसे कि अपना एक्शन रिसर्च होती है, एक्शन रिसर्च के अपने क्या स्टेप्स होते हैं, पावर, पावर अपनी ट्रिक है, इसका मतलब प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट है। हमने एक्शन रिसर्च के स्टेप्स की अगर हमने टेस्ट लिया तो बार बार देखा कि भाई सारे बच्चे सही लिख रहे हैं, POR ही लिख रहे हैं, है ना, तो इट मीन्स डाटा है हमारा वैलिड भी है और रिलायबल भी है, क्योंकि जो हम मेजर करना चाहते थे वही हम मेजर कर रहे हैं, तो ये टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी हो गई। देखिए यहाँ से भी हम देख सकते हैं टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी है वो क्या बताती है, द एक्सटेंट टू विच ए टेस्ट और मेजर एडमिनिस्ट्रेटिंग वन टाइम इज कोरिलेटेड विद द सेम टेस्ट और मेजर, कि एक टाइम पे एक टेस्ट है वो कितना रिलेटेड है और वही टेस्ट दूसरे टाइम पे कितना रिलेटेड है, ये भी हम देख सकते हैं, सेम पीपल पे भी देख सकते हैं, अनदर टाइम पे भी, ये देखो है ना, इक्वल इक्वल, ये टेस्ट रीटेस्ट हो गई। और ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रोनबैक, अल्फा वगैरह, और इसकी कंडीशन कंडीशन देख लेते हैं हम, क्या कंडीशन है, सेम
सेम एक्सपेरिमेंटल टूल होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करने का जो टूल है ना वो सेम होना चाहिए। जैसे कि हमने अगर टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी करी है, तो मैंने जो भी टूल यूज़ करे हैं, जैसे कि क्वेश्चन एरर का टूल यूज़ करा है, क्वेश्चन एरर के थ्रू मैंने टेस्ट लिया है, या फिर मान लो मैंने रिटन टेस्ट लिया है या ओरल टेस्ट लिया है, तो सेम ही मेरे को मेथड है दोबारा से अपनाना पड़ेगा। एक बार मैंने ओरल टेस्ट ले लिया है ना, एक बार रिटन ले लिया, तो क्या डाटा कंसिस्टेंट आएगा? नहीं आएगा ना। तो मेजर, जो मेजर वाली यूनिट होती है वो सेम होनी चाहिए। ओके, सेम ही ऑब्जर्वर होना चाहिए। आज तो मैं थी, मैं किसी का टेस्ट ले रही हूँ, सेम ही टेस्ट था, सेम ही पर्सन से ले रही हूँ, लेकिन आज मैं ले रही हूँ, कल मान लो मेरी कोई फ्रेंड होगी, मान लो पूजा होगी है ना, वो लेने लगी, तो मेरी जो थॉट प्रोसेस है, मेरी जो नॉलेज है, वो पूजा से बिल्कुल अलग होगी है ना। तो फिर वो डाटा है वो कंसिस्टेंट नहीं आएगा, रिजल्ट सही नहीं निकलेंगे। तो सेम ही ऑब्जर्वर होना चाहिए, सेम मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज़ कर रहे हैं हम, जो भी कंडीशन यूज़ कर रहे हैं वो भी सेम होनी चाहिए, लोकेशन भी सेम होनी चाहिए, रिपीटेशन होनी चाहिए, ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में सेम ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। मतलब कि जितनी भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो सारी चीज़ सेम होनी चाहिए। तो अगर आपसे पूछ रहे टेस्ट री टेस्ट रिलायबिलिटी क्या होती है, तो उसमें आप क्या लिखोगे कि सारी चीज़ सेम होनी चाहिए। ओके, तो ये थी अपनी रिलायबिलिटी। तो अभी मैं आपको ना जल्दी जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ, आज हमने क्या क्या स्टडी करा है, उसके बाद में हम फिर बाकी का कल पढ़ेंगे। देखिए, अभी कोई है लाइव है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, पता ही नहीं चल रहा। आई थिंक क्लास है वो काफ़ी लॉन्ग हो गई, 40 या 50 सेकेंड की हो गई ना, सेकेंड ही, सॉरी मिनट। हाँ, हमने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करा था, अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू से। अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू बता दिया मैंने, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड क्वेश्चंस वाले। सोशल सर्वे बताया, तीन टाइप से कर सकते हैं, पोस्टल से, ऑनलाइन से, फेस टू फेस कर सकते हैं, है ना। सोसाइटी में लोग, जितने भी पीपल्स होते हैं, जैसे कि मॉल में चले गए, वहाँ पे जितने भी लोग थे उनसे हमने पूछे क्वेश्चंस है ना, और उन चीज़ को सर्वे करके फिर हमने रिकॉर्ड करा डाटा, वो सर्वे में आ जाएगा। सर्वे के मेथड मैंने बताया थे, दो टाइप के होते हैं। पहला होता है नॉन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जिसमें हम पर्सनली नहीं जाते हैं, है ना, पर्सनली नहीं इन्वॉल्व होंगे, तो वो उसमें कौन सा आ जाएगा, पोस्टल आ जाएगा। पोस्ट के थ्रू कर लिया, ऑनलाइन कर लिया, मेल कर लिया, है ना, क्वेश्चन एरर वाला। और फिर आता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जिसमें करेंगे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे, इट मीन्स हम पर्सनली जाके लेंगे या फिर टेलीफोन के थ्रू लेंगे। फिर क्वेश्चन एरर बताया था कि एक पेपर होता है जिसके अंदर क्वेश्चन होते हैं, आंसर को अपने को टिक करना होता है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं और क्लोज एंडेड होते हैं। ओपन एंडेड जिसमें हम, हमारे पास एक क्वेश्चन होता है और अपने को आंसर देने की कोई लिमिटेशन नहीं होती, किसी भी टाइप से हम अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। और क्लोज एंडेड में क्या होता है, क्लोज एंडेड में हमारे पास डाइक्टोमियस हो सकता है, यानी कि टू टाइप्स, दो अपने पास ऑप्शन होते हैं, उसमें से दे सकते हैं हम आंसर। मल्टीपल रिस्पॉन्स अपने पास हो सकते हैं, जैसे कि मॉडरेट हो गया, वेरी बैड, बैड, पुअर, गुड, ऐसे, और स्केल वाले हो सकते हैं। ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड मैं बता चुकी आपको। उसके बाद मैं एग्जाम्पल थे, टेलीफोन से हम लेते हैं इंटरव्यू, जो मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था है ना, मेरा और इस गौरव का। और रिलायबिलिटी मैंने बताया कि कंसिस्टेंसी मेजर करते हैं, कितना कंसिस्टेंट है डाटा। वैलिडिटी मतलब आर वी मेजरिंग व्हाट दैट वी वांट टू मेजर, क्या हम वही मेजर करें जो हम मेजर करना चाहते हैं, है ना। और इसमें आपको मैंने बताया कि फाइव टाइप की रिलायबिलिटी होती है, टेस्ट री टेस्ट, स्प्लिट हाफ, पैरेलल, इंटरनल और स्कोरर। टेस्ट री टेस्ट आज करवा दी, बाकी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, क्या बोल रहे हो? यस आई एम हेयर, हाँ ठीक है, थैंक यू गाइस, बाकी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी, अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताना कि कैसे लगी है। अगर कोई डाउट्स है तो आप बता सकते हो, मैं उसको सॉल्व कर दूंगी, ठीक है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तो बाय बाय।